नमस्कार फ्रेंड्स, रोलैंड XP60 में एक रेडीमेड साउंड में थोड़ा हल्का सा चेंज करने के बाद उस साउंड को हम कैसे बॉलीवुड का कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रोक टाइप साउंड बना सकते हैं। मेरा ये दावा नहीं है कि ये वही साउंड है जो पर्टिकुलर उस सॉन्ग्स में बजा हुआ होता है, लेकिन जैसे ये प्रीसेट साउंड ए बैंक में 062 नंबर का पॉली की ये नाम का साउंड है, उसमें चाहे हम थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करेंगे तो फिर ये कैसा साउंड करता है, आइए एक बार हम देखते हैं। पहले ये है, और ये साउंड मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद आपको एग्जैक्ट उसका अपीयरेंस नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एक बार मैं वापस ये साउंड को एज इट इज रिसेट कर देता हूं तो हमें पता चलेगा कि ये साउंड है कैसा। कुछ ऐसा है। अब ये साउंड को हम जरूरत के हिसाब से अगर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। जैसे हम TVF में देखते हैं तो जैसे अपना ये TVF एनवलप 4, इसको हम एक बार के लिए 65 कर देते हैं। इसमें तीन पार्शियल यूज किया है, हाँ। और हम इसको TVA में देखते हैं तो TVA में जैसे यहां पर है 22, उसको भी हम एक बार के लिए 65 कर देते हैं। ये कुछ हल्का सा रिलीज हो रहा है, इसको हम चाहे तो और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट अच्छे से सस्टेन हो रहा है ये। आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे अभी ये 85 में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा सस्टेन हो रहा है, इसको हम 75 कर सकते हैं। और TVF में भी अभी जैसे 65 है, उसको एक बार हम 75 करके देख लेते हैं। ये हो गया। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि वेव ग्रुप में जैसे यहाँ पर तीन साउंड ऑलरेडी यूज किए हुए हैं और उनका गेन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये वेव गेन 0 है, उसको आप चाहे तो 12 कर दीजिए। हो गया, आपका साउंड भी लाउड हो गया एकदम जैसा आपको चाहिए। अभी ये साउंड में भी बहुत अच्छा सा इन्होंने यूज किया हुआ है, पूरा आप अगर वेलोसिटी में बजाते हैं तो ये साउंड भी एकदम बढ़िया से शार्प साउंड हो रहा है। और अगर आप चाहते तो इसको कॉमन में देख लेते हैं। कॉमन में जैसे हम कॉमन करते हैं, इसमें टोन 1, जनरल में जैसे यहाँ पर पैच लेवल 120 है, उसको 127 करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे पोर्टामेंटो स्विच ऑन है तो आपको ये तो आप जैसे वो गाना है एक, ऑटोमेंटो भी यहां से बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है। और अगर हम चाहे तो ये नोट है, उसको एक बार के लिए बस ऑटोमेंटो टाइम 4 भी इनफ है, उसको ज्यादा बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। एक बार के लिए हम 6 करके देख लेते हैं।
ट्राई कर लेते। आपके सॉन्ग की जरूरत के हिसाब से है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई सॉन्ग में ऐसा साउंड ट्विस्ट ज्यादा हो रहा है तो आप उसको 12 रख सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से 6 या 8 इनफ है। हाँ, पोर्टमेंटो भी बहुत अच्छा फील दे रहा है। तो बस फ्रेंड्स, ये साउंड आपका ऑलमोस्ट तैयार है, और ये साउंड आप कोई भी बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे से, जैसे ये बहुत सारे सॉन्ग्स अभी मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है, उस टाइप के गानों में भी आप आपके लाइव शोज में इस ये साउंड को सेव करके आप बजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।